हजारों युवाओं के बीच में आकर के खुशी हो रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हरियाणा प्रदेश की ख्याति एक समृद्ध व कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में सर्वत्र फैली हुई है। इस भूमि में हरि का आगमन हुआ था और महाभारत के धर्म युद्ध में विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश भी यहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया था। मुझे रत्नावली के माध्यम से हरियाणा की माटी के कर्मठ व मेहनती युवाओं से संवाद करने का भी मौका मिलता है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। हरियाणा प्रदेश हमेशा शाश्वत ज्ञान परंपरा, संपन्नता और योद्धाओं की वीरता का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल से ही इस प्रदेश की संस्कृति संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसे सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेश की युवा पीढ़ी के बीच सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होना मेरे लिए हमेशा एक अनूठा अनुभव रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे प्राचीनतम यह विश्वविद्यालय है। यह प्रदेश में 1966 में बना, लेकिन विश्वविद्यालय की नींव 1956 में रखी गई है। हरियाणा प्रदेश के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इस विश्वविद्यालय का अमूल्य योगदान है। मैं इस विश्वविद्यालय को हरियाणा की एक अमूल्य धरोहर के रूप में देखता हूं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से है। यह खुशी की बात है कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान, अनुसंधान, कौशल विकास, खेल कला, संस्कृति, इतिहास सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से यह हमारा विश्वविद्यालय ये एक नंबर के ऊपर का विश्वविद्यालय है। देश में ऐसे कम ही विश्वविद्यालय होते हैं जो शिक्षा के साथ साथ अपने क्षेत्र व देश की संस्कृति को सहेजने का कार्य करते हैं। हमें गर्व है के साथ कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गीता की इस जन्मभूमि में देश में ज्ञान आधारित समाज की स्थापना के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति धरोहर को भी सहेजने का काम कर रहा है। मैं विश्वविद्यालय के इन सब प्रयासों की सराहना करता हूं कि हमारी संस्कृति को सहेजने का कार्य यह हमारे इस रत्नावली के माध्यम से हमारे यहाँ के सभी जो आयोजक हैं वो कर रहे हैं। रत्नावली हरियाणा महोत्सव की संस्कृति विरासत को सहेजने का अनूठा प्रयास है। पिछले 37 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के गीत संगीत कला संस्कृति को लेकर के युवा पीढ़ी को जोड़ने का यह अद्भुत प्रयास इस रत्नावली के माध्यम से रहा है। हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ के कुलपति, यहाँ के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी व सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में इस बार
34 विधाओं का में 3000 से अधिक हमारे युवा कलाकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मैं इस महोत्सव में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यही एक मंच है। इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा का भी दिखाने का वो अवसर हमें इसी मंच के माध्यम से मिलता है। मैं इस बात को लेकर के रोमांचित हूं कि किस तरह से इस महोत्सव में हर वर्ष नए नए प्रयास कर युवाओं को जोड़ने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। हरियाणा लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने व युवा विद्यार्थियों में अपनी महान विरासत पर गर्व का भाव जगाने में रत्नावली महोत्सव अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। साहित्य संगीत व कला का यह अद्भुत संगम है। यह अच्छा इंसान बनाने में साहित्य संगीत व कला की भूमिका को पूर्णतः स्वीकार किया गया है। हरियाणा के जवानों का तन तो माटी का ही है और मन लोहे सा मजबूत है, और इसका भविष्य निश्चित रूप में स्वर्णिम है। जय हरियाणा की धरती, जय हरियाणा के वीर। माटी का तन, लोहे का मन और सोने की तकदीर। मैं समझता हूं कि रत्नावली महोत्सव एक ऐसा मंच है जिसमें कोई टीम कभी हारती नहीं है। हमने देखा है कि जो भी टीम मंच के ऊपर आती है वो प्रथम आएगी, द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, परंतु कोई टीम हारती नहीं है। वो अपनी प्रतिभा को अपने मन से यहां से दिखाने का काम करते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। चूंकि हारने वाली टीम भी यहां दर्शकों के दिलों को जीत करके जाती है। अगर वो तीसरे स्थान पर टीम आ रही है, उसकी भी हमारे जो दर्शक हैं उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। ये इस मंच का, इस रत्नावली के माध्यम से ऐसा सिनेरियो बनता है कि जितनी टीमें यहां पर आती हैं वो टीमें जीतती हैं, हारती नहीं हैं। ये हमारे लिए बड़ा सुखद सहयोग है। मैं प्रदेश भर से आए युवाओं से अपील करता हूं कि जीवन में मुकाबला कितना भी कड़ा हो, घबराएं नहीं, बस आगे बढ़ते जाएं। ऐसा मैं आप लोगों से आज ये अपील भी करना चाहूंगा। आपने यहां बेहतर प्रदर्शन किया है और इस सांस्कृतिक उत्सव में दर्शन दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान आप लोगों ने दी है। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को और सभी छात्र छात्राओं को और सभी हमारे फैकल्टीज के जो सभी सम्मानित सदस्यगण हैं या बाहर से हमारे आने वाले सभी दर्शकगण हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस समापन अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है, क्योंकि ये समय थोड़ा लेट था, परंतु कई अन्य कार्यक्रम भी बहुत जरूरी कार्यक्रम थे और उनमें समय पर भी मुझे रहना है। मैं आप सबको, जितने भी हमारे कलाकार भाइयों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद मैं देता हूँ, क्योंकि समय के कारण मुझे यहाँ पर थोड़ा जल्दी आप लोगों के बीच में आना पड़ा है। और जो कलाकारों को यहाँ आज सम्मानित करने का कार्य था, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति
उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप लोगों से, क्योंकि युवा साथी हैं, सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से आगे बढ़िए, ये सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई नजर आएगी, आपको कहीं भी वो पीछे नहीं रहने देगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये 3 दिन का, 4 दिन का जो रत्नावली का कार्यक्रम, जो 25 तारीख से जिसका शुभारंभ हुआ, आज 28 तारीख को ये समापन की ओर है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, बहुत बहुत धन्यवाद। को सहजने का काम कर रही है हरियाणा के विकास में बड़ा सहयोग है। सीएम सैनी ने युवाओं से अपील की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रत्नावली समारोह में सीएम सैनी का संबोधन आप सुन रहे थे और हरियाणा के विकास में विशेष योगदान है सीएम सैनी की ओर से कहा गया। रत्नावली हरियाणा के रत्नावली समारोह में सीएम का यह संबोधन आपने सुना, लाइव संबोधन आप सुन रहे थे। हरियाणा के विकास में विशेष योगदान है सीएम सैनी की ओर से कहा गया। रत्नावली हरियाणा के विरासत को सहजने का काम कर रही है, युवाओं के साथ सरकार है, सीएम सैनी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने युवाओं से अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से संबोधित लोगों को किया गया, रत्नावली समारोह में वो शामिल हुए और वहां पर संबोधन उन्होंने दिया है। रत्नावली समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें, इससे पहले लाइव संबोधन आपने सुना था और अब लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ छोटी बच्ची के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं और इससे पहले आपने संबोधन उनका सुना था जिसमें उन्होंने युवाओं से अपील भी की थी और मंच से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रत्नावली समारोह से जाते हुए सीएम सैनी, हालांकि समारोह में उन्होंने शिरकत की और समारोह में सीएम सैनी ने संबोधित लोगों को किया, वहां जो लोग मौजूद थे उन्हें संबोधित किया। हरियाणा के विकास में विशेष योगदान है रत्नावली का, ये उन्होंने कहा।